हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। हम पढ़ रहे थे गुडविल, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चे, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो बच्चे, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? हमारा वो प्रॉफिट जो एवरेज से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट प्रीवियस 3, 4, 5 ईयर का है, उन सबको हम ऐड कर लेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अगर हमने 5 ईयर लिए तो 5 को है डिवाइड बाय 5, अगर हमने 4 ईयर लिए तो 4 डिवाइड बाय 4। तो ये हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब मान लीजिए अगर हमने प्रॉफिट हमारे पास 1 ईयर का है तो वही हमारा क्या बन जाएगा? एवरेज भी और एक्चुअल भी। ठीक है, तो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा वो प्रॉफिट जो हम इजीली कमा सकते हैं। अगर मान लो बिजनेस नहीं किया हमने, इसके अलावा कहीं और काम करते तो इतना पैसा हम इजीली कमा लेते, इतना तो हम इजीली अर्न कर ही लेते, तो वो हमारे लिए क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अच्छे, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया होगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना कैपिटल हमने बिजनेस में इंप्लॉयड किया है वो कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इतना पैसा लगाकर इतना हम इजीली अर्न कर लेते, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो एवरेज में से माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आया हमारे पास? सुपर प्रॉफिट। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? हमने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर क्वेश्चन में असेट लाइबिलिटी गिवन है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल या फिर कैपिटल इंप्लॉयड। अच्छे, कैपिटल इंप्लॉयड को हम नेट असेट भी कहते हैं। अगर मैंने बोला असेट्स तो इसका मतलब क्या है? सभी असेट्स। बट अगर मैंने बोला नेट असेट्स तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड या फिर कैपिटल। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? जो लाइबिलिटी साइड वाले आइटम होते हैं उसमें से जो आउटसाइड लाइबिलिटी छोड़ के बाकी सब ऐड कर लेंगे, जैसे कि कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। अगर कोई लॉस है तो उसको हम, अगर हमारे पास कोई लॉसेज हैं तो उसको माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है तो वो बच्चे हमारी कौन सी है? वो हमारी परचेज गुडविल है, उसको भी हम माइनस कर देंगे। अच्छा, गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल लास्ट लेक्चर में किया था हमने क्लासिफिकेशन गुडविल, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जिसके लिए हमने पैसा पे किया और एक्वायर किया वो है परचेज गुडविल। जिस गुडविल को हमने खुद जनरेट किया उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो वो परचेज गुडविल है, हम उसको बोलेंगे गुडविल ऑलरेडी अपीयर। क्या करना है? उसको हमें माइनस कर देना है। इसके अलावा अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, उसको भी माइनस कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? कैपिटल इंप्लॉयड या फिर जितनी असेट्स हैं सभी असेट को ऐड कर लेंगे, और जो आउटसाइड लाइबिलिटी है क्रेडिटर है बिल्स पेबल है लोन है उसको माइनस कर देंगे। और उसके अलावा जो हमारे 50 असेट्स हैं, लॉसेज हैं, गुडविल जो बैलेंस के अंदर गिवन है वो वाली, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको माइनस कर देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। जो कैपिटल इंप्लॉयड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट,
तो आएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ योर परचेज, तो इस तरह से हम सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कहते हैं अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख 8000 रुपीज। अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो इसके बदले में प्रॉफिट गिवन होता 3, 4, 5 ईयर का, तो उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। लेकिन लास्ट ईयर द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर बिजनेस टाइप इज 10%, तो 10% क्या है बच्चे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस वर 22,560। बच्चे असेट लाइबिलिटी गिवन है, तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितना लगाया हुआ है हमने, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे। असेट्स में गिवन है 22 लाख, लायबिलिटी गिवन है 560, तो इसको हम माइनस करेंगे 22 लाख माइनस 5,60,000, दिस इज 16,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैलकुलेट करो नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 1,64,000। तो ये अब कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1,64,000, माइनस करो 6,36,000, सुपर प्रॉफिट है। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ योर परचेज, कितना है 2.5 रुपीज 15,90,000। तो वैल्यू गुडविल कितना है बच्चों, रुपीज 15,90,000। तो ये हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है इसमें, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेट माइनस लाइबिलिटीज, तो असेट लाइबिलिटी गिवन है असेट 22 लाख, लाइबिलिटी 560, माइनस किया 16,40,000, तो इससे हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमने क्या किया, कैलकुलेट किया सुपर प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर से। तो बच्चे इस तरह से हमने गुडविल कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू
सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन पर ऑफ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। यस नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसके दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी जैसे भी किया हमने, असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन लेते हैं, द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज रुपीज 75,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, विच इंक्लूड्स ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। इसके अंदर स्टॉक का अंडर वैल्यू इंक्लूड है 5,000 रुपीज का। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 7 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इंप्लॉयड 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द सुपर प्रॉफिट। बच्चे ये क्वेश्चन जो है सुपर प्रॉफिट मेथड का है और इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट से, ये भी कर लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट में ध्यान दो, प्रॉफिट हमें गिवन है 75,000। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? 75,000 और इसमें इंक्लूड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है कि वो ओपनिंग है क्लोजिंग है तो हम उसको क्लोजिंग एज्यूम करते हैं। तो स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है 5,000 रुपए का। क्या मतलब है इसका? मैंने ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे लिखा मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब अच्छे जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है हमारा वो अंडर वैल्यूएशन है, मतलब उसको हमने कम कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चे इससे क्या होगा? जो हमारा जीपी है वो भी हमारा कम हो जाएगा। क्या किया हमने? क्लोजिंग स्टॉक को कम कैलकुलेट किया जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया। अब हमें इसको एडजस्ट करना है। तो अब इसको क्या करना है? हमें ठीक करना है। हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे जिससे नेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमें एड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या किया हमने? गिवन है 75,000 और इसमें ऐड किया 5,000, इट इज 80,000। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है हाउ मच? 7 लाख। नॉर्मल रेट 7%, 49,000।
अब यहां से कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, 80,000 माइनस 49,000 रुपीज 31,000। अब गुडविल कैलकुलेट कर लो, गुडविल इक्वल टू 31,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर परचेज, 1,55,000। गुडविल वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 1,55,000। तो ये हमने किया एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको एरेज कर रहा हूं, स्क्रीन को रोक कर नोट कर लो इसको। यस, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, द टोटल टेंजिबल असेट ऑफ द फर्म इज 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 4 लाख। तो कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख। इन दिस सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, मेंशन नहीं किया कैपिटलाइजेशन कौन सा, एवरेज या सुपर। तो हम क्या करेंगे, दोनों से इसको सोल्व करेंगे। पहले करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल ऑफ फर्म। फॉर्मूला बिल्स की बात है तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, नॉर्मल रेट जो है 10%, दिस इज रुपीज 15 लाख। अब कैपिटल ऑफ फर्म गिवन है, कैपिटल कैलकुलेट करो, कैपिटल ऑफ फर्म या कैपिटल ऑफ बिजनेस कैसे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स 14 लाख, लाइबिलिटीज 4 लाख, दिस इज रुपीज 10 लाख। अब गुडविल कैलकुलेट कर लो, तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म 15 लाख माइनस 10 लाख दिस इज रुपीज 5 लाख। तो बच्चे ये हमने किया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको रिकॉर्ड कर सकते हो आप। अब इसके बाद हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल 10 लाख, नॉर्मल रेट 10%, दिस इज रुपीज 1 लाख। अब क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, दिस इज रुपीज 50,000। अब गुडविल अगर कर दो, गुडविल इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 10 रुपीज 5 लाख। तो बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, दोनों का आंसर क्या होगा हमारा? सेम आएगा। बट अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इन तीनों का आंसर क्या होगा? डिफरेंस होगा। हाँ, कैपिटलाइजेशन के दोनों में आंसर सेम आएगा, बाकी तीनों में आंसर क्या होगा हमारा? अलग अलग आएगा, क्योंकि तीनों में हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन दोनों में सेम आएगा। तो ये हमने किया कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों से, एवरेज से भी और सुपर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस पढ़ते हैं इसको। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट रुपीज 1 लाख, गिवन एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिंगल बिजनेस 10%, नॉर्मल रेट गिवन 10%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। The assets of the business 10 lakh and liability 180. तो बच्चे ये हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों क्या है हमारे? अलग अलग मेथड है। तो पहले हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये हमारा ए पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या होगा? गुडविल मल्टीप्लाई गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज माइनस नॉर्मल। और कैसे नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो असेट्स गिवन है 10 लाख, लाइबिलिटी गिवन है 180, माइनस करो 8,20,000। नॉर्मल रेट गिवन है 10%, तो ये हो गया 82,000। एवरेज गिवन है 1 लाख, तो ये हो गया 18,000। तो बच्चे गुडविल कितना हो गया? गुडविल हो गया 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 10 रुपीज 1,80,000। ठीक है, कोई डाउट आता किसी को? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? 18,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 है, तो ये हो गया रुपीज 54,000। तो बच्चे ये हमने सीखा गुडविल की कैलकुलेशन एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अगर मेंशन किया कि कैपिटलाइजेशन कौन सा यूज करना है तो वो हम यूज करेंगे। कैपिटलाइजेशन को एवरेज, कैपिटलाइजेशन सुपर, मेंशन किया था वो यूज करना है
अगर मेंशन लिखा हो 200 कर देंगे या किसी भी एक से कर सकते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप खुद ट्राई करोगे इसको, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, खुद ट्राई करोगे इसको आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।